नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर दिन भर। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके हर दिन इस मामले में कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में नाबालिग द्वारा बयान बदलने की खबर सामने आई, तो वहीं इस बीच कई और लोग भी सामने आ गए जिन्होंने ब्रजभूषण के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। इस धरने के तीन प्रमुख पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने हाल ही में रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से खाप पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस पंचायत में वो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर से भी बातचीत के बारे में खाप प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। पंचायत में यही बोला गया कि 15 तारीख तक जो सरकार ने टाइम दिया है उस पर अगर सरकार मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाती तो हम 16 या 17 तारीख को बड़ी कॉल देंगे और उसमें फैसला लेंगे। वो सभी बातें हमने अपने खाप पंचायत के जो चौधरी थे, बहुत छोटी पंचायत बुलाई गई है और बहुत सारे लोगों जो नहीं आ पाए उनसे भी हम यही बोलेंगे कि भाई अगर ये सारी बातें आप सब तक पहुंच जाएंगी, अगर कोई आपका फैसला हो तो आप हमें बता दीजिए। अगर सरकार 15 तारीख तक, हमने अपने खाप चौधरी ने भी यही बोला कि 15 तारीख तक हम जो खिलाड़ी बात करके आए हैं उन पे हम बिल्कुल उनके साथ हैं और अगर उस पे कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाता तो हम खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। उधर शरद पवार ने आज NCP के 25वें स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। NCP का अगला अध्यक्ष बनने का सपना संजोए अजीत पवार के लिए शरद पवार के इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा लगता है कि पवार ने संकेत दे दिए हैं कि उनके बाद NCP की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल के हाथों में होगी। उधर जीवा हत्याकांड की तलाश कर रही पुलिस को हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शूटर विजय ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो 3 महीने से गोमती नगर विस्तार इलाके में रह रहा था। वहीं अब पुलिस रिवॉल्वर और शरण देने वाले के बारे में पड़ताल कर रही है। कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या जिस चेक रिपब्लिक 357 बोर की मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर से की गई, वो हरियाणा से सप्लाई हुई थी। पिस्टल विजय को किसने दी, कैसे दी, वो हरियाणा के शूटरों के संपर्क में कैसे हुआ आया, अब पुलिस इन बिंदुओं की पड़ताल कर रही है। तो जीवा हत्याकांड में नेपाल कनेक्शन सामने आया है और हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो रिवॉल्वर आई थी वो दरअसल हरियाणा से कैसे आई, क्यों आई, किसके जरिए सप्लाई की गई, हरियाणा में आखिरकार ये रिवॉल्वर कैसे पहुंची, उसकी भी पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि संजीव जीवा की कोर्ट कैंपस के अंदर हत्या कर दी गई थी लखनऊ में, उसको लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से पड़ताल कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव सीतपुर के नैमिषारण्य में आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। 24 में होने वाली जंग के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप देखिए। इस बार इनका सफाया करेगी, इनका अहंकार समाजवादी पार्टी के यूथ तोड़ेंगे। तो क्या अखिलेश वाली सपा ने हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है? तभी तो समाजवादी पार्टी ऋषि मुनियों की धरती नैमिषारण्य में 2 दिनों तक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन और चिंतन में जुटी है। बकायदा सपा सुप्रीमो पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे। अखिलेश यादव के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि योगी की सरकार रही। जो सरकार दावा करती है इनकाउंटर किए हैं वो 14 के 14 हजार इनकाउंटर फर्जी है सरकार के। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई हो? केवल फेक इनकाउंटर के लिए नहीं छूट दी गई है बल्कि जाओ जितना वसूल सकते वसूल लो। नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान शनिवार को एक बार फिर अखिलेश यादव के निशाने पर तो BJP थी, मगर भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी 7वें आसमान पर था। ऐसे में
सपा नेताओं के हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव खुद रण में हुनकार भर रहे थे। दावा ये कि तापमान करीब 40 डिग्री है, इसके बाद भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपके इसी जज्बे से बीजेपी घबरा रही है। और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा, और जब हम पांच बार बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसीलिए भारतीय जनता की हालत खराब हो रही है। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहां पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी की कमजोर नब्ज दबाने का प्रयास किया और दम भरा कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। अब देखना होगा अखिलेश का नैमी शरण में संपन्न हुआ यज्ञ 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या जीत दिला पाता है। समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा क्या खोए हुए जनाधार को वापस ला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को हरदोई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई वो पूछते थे मंदिर कब बनेगा, अब मंदिर बन रहा है तो अब कैसे वोट मांगेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि अपने कर्मों की वजह से सपा वापस नहीं आएगी। यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अशोक रावत जी ने संडीला में जिस ढंग से जनसभा का आयोजन किया, जो जनसैलाब उमड़ा है, मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के पूर्ण होने पर जिस ढंग से जनसैलाब उमड़ा है, आम जनता ने अशोक रावत जी को आशीर्वाद दिया है। एक तरफा यहाँ अशोक रावत जी जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा जीतने जा रहे हैं। लगभग सभी जगह हमने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों जगह हमने प्रवास करके देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी अपने कुकृत्यों की वजह से, गुंडे माफिया मंचलों को प्रमोट करने की वजह से उत्तर प्रदेश में कभी पनप नहीं पाएगी। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु रामलला का मंदिर बनाने के लिए सर्वस्व निछावर पर लगा दिया और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर जिस ढंग से गोलियां चलाई थी, अयोध्या की सड़कों पर लाल कर दिया था, बहुत ही दुखद है। इन्हें देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कानून है, उत्तर प्रदेश में लगातार मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत होगा। जो भी अपराधी है उनको कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता, अदालत में जो भी घटनाएं हैं इनको हमने गंभीरता के साथ लिया है, कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। और फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर दिन भर में आगे। कच्चे तेल की लगातार घटती कीमतों के चलते भारत की तेल कंपनियों पर कीमतें घटाने का दबाव बढ़ने लगा है। भारत में एक साल से भी अधिक समय से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। तेल विपणन कंपनियां पहले से अपना घाटा पूरा होने तक कीमतों में कटौती करने से इनकार कर चुकी हैं। इस बीच सरकार की ओर से भी इस बारे में बयान आ गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने शनिवार को कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने पर विचार करने की स्थिति में होंगी। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड विद आई कैन टेल यू कि क्या हमने मेजर्स दिया आने वाले समय भी। अब देखिए, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस सॉफन होते हैं, अब जैसे कच्चे तेल का है, प्रोड्यूसर्स ने कुछ निर्णय लिया है कि वो प्रोडक्शन कट्स करेंगे। अब प्रोड्यूसर्स से बात करते हो तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हम प्राइस नहीं डिटरमिन करते, पर मेरा उससे जवाब है अगर आप प्राइस नहीं डिटरमिन करते, अगर जो क्वांटिटी अगर उसको डिटरमिन करते हैं तो क्वांटिटी अगर कम करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी। तो अगर मान लो बढ़े भी, आई थिंक हमारे यहां नाउ वी आर, और हमारे ओएमसीज, आई वांट टू पे देम कॉम्प्लीमेंट, दे बीन गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, जब उनकी अंडर रिकवरीज हो रही थी, नुकसान हो रहा था, उन्होंने बढ़ाया नहीं, ये पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट,
देखिए परफेक्ट तो कहीं भी नहीं होगा और हमारा केस भी नहीं है। अगर मेरे पे आप छोड़ दे, मुझसे आपके जो हमारे जो ऑयल मिनिस्ट्री के जर्नलिस्ट है जो बाहर वाले पूछे, सर आप बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना होना चाहिए तेल का दाम। अगर मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं तो कहूंगा जितना लो हो, बट आई नो दैट्स नॉट डूएबल बिकॉज द प्रोड्यूसर्स हैव टू फिक्स द दाम। सो लेट मी अश्योर यू दैट इसमें ऑपोजिशन की जो कहानी है ना वो सेट नहीं हो रही इस इश्यू पे, और इसलिए वो इश्यू हॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली फोरम हॉपिंग की बात करते हैं, वो किसी दिन एक इश्यू ले लेते हैं, दूसरे दिन दूसरा इश्यू ले लेते हैं। मेरे हिसाब पे इस समय ऑपोजिशन इज इन द सर्च ऑफ इश्यूज, दे आर ऑल्सो इन द सर्च ऑफ अदर थिंग्स। बट नाउ इफ यू आर आस्किंग मी फॉर माई एक्सपेक्टेशन का शब्द का मतलब क्या है, एक्सपेक्ट आप चाहते हो, अगर मेरे का, अरे मैं तो चाहूंगा ऑब्वियसली, बट यू सी अगर आप इंटरनेशनल प्राइस स्टेबल रहती है और यू नो इट डजंट राइज, आई डोंट नो व्हाट द प्राइस ऑफ ऑयल इज, शुड बी शॉर्ट 74, 75 ना, ये आ गए मेरे बंधु लोग, मेरी फायर ब्रिगेड 75 है। अगर 74 और 75 पे रहे, पिछले क्वार्टर में हमारी ओएमसी डिड ओके, मतलब उनके नुकसान नहीं हुए, तो अब मैं आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक एन अनाउंसमेंट, बट आई डोंट नो। देखिए दे विल, आई थिंक इफ द नेक्स्ट क्वार्टर गोज वेल, आने वाले समय ठीक होगा, दे विल बी इन अ पोजिशन टू लुक एट। तो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर डाली और कहा कि राहुल गांधी आजकल दाढ़ी बढ़ाकर ओसामा बिन लादेन बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा बता डाला। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के गौरीगंज नगर पालिका कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह के साथ वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता कान खोलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है, राष्ट्रनीति से कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं। उधर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। नियोजन नीति को लेकर झारखंड में एक बार फिर से मांग तेज हो चली है। बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड को बने 23 साल हो गए हैं लेकिन आज तक सरकार यहां के युवाओं के लिए एक नियोजन नीति भी नहीं बना सकी। कथित तौर पर प्रस्तावित 60-40 के अनुपात में नियोजन नीति लाने की तैयारी में
बाजार में मांदर नगाड़ा बजाकर सखुआ पत्ता घुमाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। झारखंड के नौजवानों से जो वादा किया था, झारखंड के मूलवासी आदिवासी से जो वादा किया था, और अपने वादों से जब ये सरकार फिर गई तो बाध्य होके झारखंड के छात्र मूलवासी आदिवासी सड़क पर उतर रहे। उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान मैं लागू करूंगा और नियोजन को 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति लाऊंगा। इसका मतलब यही है कि जो झारखंड के यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के नियोजन में स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। और मैंने देखा कि आज तक 3.5 साल में ये सरकार स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पाई। थोड़ा संजीदगी से सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और छात्रों की भावनाओं से हम लोग लगातार अवगत होते रहे हैं, और उस निमित्त आप देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में नियुक्ति निकल रही है, और हमें लगता है कि सभी चीज़ों को छोड़ करके एक बार नियुक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए तैयारी में लगनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी बात है उसको सरकार ने बहुत संजीदगी से लिया हुआ है, लेकिन जो कानूनी बाध्यताएं हैं उन सारी चीज़ों को समझना होगा। और हमने जो संकल्प लिया है, जो यहाँ के लोगों को यहाँ का अधिकार मिले, उसका हम पूरी तरह निर्वहन करेंगे। हम ये आश्वस्त कर सकते हैं छात्रों को अपने हित में। हालांकि इस बंद से आवश्यक मेडिकल सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड के विभिन्न आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन ने अपना समर्थन दिया। यूनियन की मांग है कि झारखंडी हित में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू कर सभी पदों पर नियुक्ति की जाए, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब नियोजन नीति को लेकर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना है।